नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल, वास्तु सलाहकार। आज आपको साउथ फेसिंग मोबाइल की दुकान के बारे में बताना चाहूँगा। आपकी अपनी दुकान में कहाँ कैसे सेटिंग आनी चाहिए जिससे कि आपको रिजल्ट अच्छे मिले। आपको सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है? सबसे पहले तो फ्रंट से आपकी अपनी दुकान का फर्श लेवल हल्का सा ऊंचा होना चाहिए, चाहे वो 6 इंच ऊंचा हो चाहे 1.5 फुट ऊंचा हो। फर्स्ट में फर्श लेवल ऊंचा होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके अपने यहाँ फ्रंट में नाली बनी हुई है, उस नाली को आपने ढकवाना है, रेड कलर के पत्थर से ढकवाना है और स्मूथ पत्थरों से ढकवाना है। ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। आपकी अपनी दुकान के बाहर फर्श टूटा हुआ है, ऊंचा नीचा है, ओबड़ खाबड़ है, तो उसको आपने स्मूथ करना है, पहली बात। दूसरी बात, आपने अपने शटर के ऊपर जो कलर करना है, रेड कलर, ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन, ब्लैकिश ब्राउन नहीं, रेडिश ब्राउन या ऑरेंज कलर या पिंक कलर, आप अपने शटर पर कलर करेंगे। इसी के साथ में आपके अपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक मीटर, बिजली का मीटर कहाँ होना चाहिए? बिजली का मीटर आपको साथ में इन्वर्टर यहाँ लगाना ही है। इसके साथ में आपको अपने यहाँ पर फ्रंट में ग्लास की कुछ फिटिंग हुई हुई है, एल्यूमिनियम सेक्शन की कुछ फिटिंग हुई हुई है और आपके अपने यहाँ पर इस हिस्से में ग्लास फिटिंग है। ओनर का भी, स्टाफ का भी और कस्टमर का भी आने का रास्ता यहाँ से है। कंप्लीट ईस्ट वॉल पे आपके अपने यदि डिस्प्ले है, ये आपका अपना काउंटर बनता है। काउंटर आपने बना रखा है तो मेरा कस्टमर आके यहाँ खड़ा होता है, ओनर और स्टाफ, यहाँ ओनर बैठा है, यहाँ स्टाफ खड़ा हो जाता है आपका अपना। तो मेरा अपना ये मानना है आपकी अपनी दुकान में सेल भले ही अच्छी हो, कहीं ना कहीं हर एक कस्टमर जो भी आपके यहाँ आता है वो आपसे जो भी सामान परचेज करके लेके जाता है, जो भी सामान का मतलब चाहे वो मेमोरी कार्ड लेके जा रहा है, चार्जर लेके जाता है, मोबाइल लेके जाता है, चाहे आपके अपने यहाँ से मोबाइल का ही गार्ड लगवा के जाता है या कवर लेके जाता है, जो भी आपने अपनी दुकान के अंदर काम किया हुआ है, मेरा ये मानना है कस्टमर कहीं ना कहीं हर जगह आपको पेमेंट कम देके जाता है। कम की परिभाषा ये है, आपने यदि 1000 रुपये की उसको कोई आइटम बोली है, 10,000 की आइटम बोली है आपने, जो रेट है उसका अपना, वो 200, 300, 400, 500 रुपये कम करा के ही जाता है। चाहे तो वो पहचान के कारण कहो, चाहे पहचान वाला नहीं है, तब भी आने के बाद रेट कम कराने की कोशिश करता है और आप कम कर देते हैं। जो प्राइस आप बताते हैं उससे कस्टमर रेट कम देके ही जाता है और आप कर देते हैं। इसके साथ साथ जो ओनर यहाँ बैठता है, जो स्टाफ बैठता है, काम तो करते हैं, उनका अपना अपने काम में मन नहीं लगता है। वो कहीं ना कहीं 2-3 मिनट तो कस्टमर से बात करेंगे, वो कस्टमर को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, फिर भी कस्टमर आपके यहाँ से सामान लेके जाता है। बस मेन बात यही है कि आपको प्राइस कम देके जाता है और आप किसी भी कारण से प्राइस कम कर देते हैं। आप अपना प्रॉफिट कम करके कम प्रॉफिट में माल बेचना पसंद करते हैं और आपका माल कम रेट में बिकता भी है। इसी के साथ में ये आपका कंप्लीट काउंटर आ जाता है, ये फ्रंट में आपकी अपनी काउंटर के ऊपर की डिस्प्ले आ जाती है, ये फ्रंट में भी आपकी अपनी जो भी आपकी अपनी आइटम्स लगाई जा सकती है। आपने यदि फ्रंट में डिस्प्ले बना रखे तो यहाँ फ्रंट में डिस्प्ले आ जाती है। आपकी अपनी वर्कशॉप यानी कि एक रिपेयरिंग टेबल आपने यहाँ लगा रखी है, ये टेबल यहाँ भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ में पीने का पानी आपने साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कहीं भी रखा हुआ है, उस पानी के रखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और, आपने अपना मंदिर नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ वॉल पे लगा रखा है, ये मंदिर आपका मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से गलत है।
मेरे अनुभव से ये एंट्रेंस भी गलत है, मेरे अनुभव से आपकी अपनी जो फेसिंग बनती है वो बेस्ट बनती है। आपको जो टारगेट मिलता है किसकी तरफ से, कंपनी की तरफ से, आपका अपना मोबाइल का जो शोरूम है, जो दुकान आपकी अपनी, वो एक ब्रांड की है या 10 ब्रांड की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी आप अपना टारगेट तो पूरा कर लेते हो, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे टारगेट अपना पूरा करते हो। आप ये चाहते हैं कि हमारा टारगेट टाइम से पूरा हो और हम माल ज़्यादा बेच पाएँ, अच्छे प्रॉफिट के साथ माल बेच पाएँ, कस्टमर हमसे रेट कम नहीं कराए जो हम रेट बोलते हैं, क्योंकि कंपनी के हर एक माल का, हर एक प्रोडक्ट का फिक्स प्राइस होता है। आप ये चाहते हैं कि हमने रेट फिक्स रखना है और हम कम देना नहीं चाहते, कस्टमर जो कस्टमर को जो रेट बताया जाए उस रेट पर इजीली कस्टमर सामान ले जाए। तो मैं आपको अब उसी की सेटिंग बता रहा हूँ। आपके अपना साउथ फेसिंग सेम है दुकान, इसके अंदर डोर आपने कहाँ लेना है, ईस्ट साउथ ईस्ट में। ये डोर आपका साउथ से वेस्ट की ओर साउथ वेस्ट में है, ये डोर आपका साउथ से ईस्ट की ओर साउथ ईस्ट में है। वेस्ट वॉल के साथ आपकी अपनी कंप्लीट डिस्प्ले लगी है, नॉर्थ वेस्ट में आपकी अपनी वर्किंग टेबल आ गई, कंप्लीट आपका अपना ही काउंटर आ जाता है। साउथ वेस्ट जोन में आपकी अपनी कंप्लीट डिस्प्ले आ जाती है, मंदिर आपका नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट वॉल पर आपका मंदिर आ जाता है। साउथ ईस्ट में ईस्ट वॉल पे आपका इन्वर्टर और प्लस मीटर आना ही चाहिए। इसी के साथ आपने और क्या काम करना है, जो आपकी अपनी ये डिस्प्ले आई है, फर्स्ट लेवल से लगभग 2.5 से 3 फुट ऊपर तक अलमारी बनती है, उसके बाद कंप्लीट डिस्प्ले बन जाती है। यहाँ पर भी पहले वाली दुकान की बात कर रहा हूँ मैं, आपने ईस्ट वॉल पे नीचे अलमारी बना रखी होगी, उसके ऊपर डिस्प्ले बना रखी होगी। होता क्या है कि ईस्ट वॉल को आपने भारी कर दिया है, वजनदार कर दिया है। अब इस वाली दुकान में आपने क्या किया, वेस्ट वॉल पर आपने कंप्लीट डिस्प्ले भी बना दी, वेस्ट वॉल पर ही आपने अलमारी भी बना दी, जो कि नीचे स्टोरेज हो जाती है, काउंटर के अंदर भी स्टोरेज हो जाती है, क्योंकि फ्रंट में ऊपर ही ग्लास के नीचे डिस्प्ले रहती है हमारी अपनी। इस तरीके से आप यहाँ करें, ये भी आपकी अपनी डिस्प्ले है। दूसरी चीज, ओनर यहाँ साउथ ईस्ट जोन में, साउथ ईस्ट के एरिया में बैठा है, यहाँ आने पर डोर चेंज करते ही साउथ वेस्ट जोन में ओनर आ जाएगा। ओनर की बात में साथ में स्टाफ की बात में वजन आ जाएगा। वजन का मतलब जो स्टाफ कस्टमर को प्राइस बोल देता है, कस्टमर उसी प्राइस में सामान ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको एक ही बात कहूँगा, आप अपनी सिटिंग और सेटिंग जैसे मैंने आपको इस वाली दुकान में बताई है करते हैं, तो मेरा अपना ये मानना है आपकी अपनी दुकान बहुत अच्छी चलेगी। इसी के साथ साथ एक बात और कहूँगा, आपने अपनी दुकान के अंदर लाइट क्रीम कलर ऑफ वाइट कलर करना है। शटर के ऊपर जो कलर मैंने यहाँ बताया है वही कलर यहाँ पे होगा। पीने का पानी आपने नॉर्थ वॉल पे, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पीने का पानी रखना है। यहाँ जो मयूर जग आप रखेंगे वो स्काई ब्लू कलर का ही होना चाहिए, ब्लू या स्काई ब्लू कलर। इसी के साथ साथ एक काम और बता रहा हूँ मैं आपको, जो ओनर यहाँ बैठेगा, ओनर के राइट हैंड पे ड्रॉअर आएगी, गल्ला आएगा, तिजोरी आएगी। इसी के साथ साथ ये ड्रॉअर आपकी अपनी वेस्ट की ओर खुल रही है, एक ड्रॉअर जो आपकी अपनी यहाँ ये डिस्प्ले बनेगी कंप्लीट, एक ड्रॉअर ओनर को यहाँ भी बनानी है जो कि नॉर्थ की ओर ओपन होगी, और ये वाली आपकी बरकत देगी, प्रॉफिट देगी, सेविंग देगी, हमेशा ही कहीं से भी पैसे की कमी नहीं रहने देगी। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और कहूँगा, आप अपनी दुकान को रेनोवेट करने जा रहे हैं या नई बनाने जा रहे हैं, जो आपकी अपनी ये यहाँ पर डिस्प्ले बनी है, जो डिस्प्ले के नीचे जो अलमारी बनती है, उस अलमारी के नीचे 3 से 4 इंच का ऊंचा प्लेटफॉर्म, कौन सा अलमारी के नीचे हमेशा ही फर्स्ट लेवल से ऊपर 4 इंच का ठोस प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, आपको यहाँ प्लेटफॉर्म बनाना है।
कितनी चौड़ाई का, जो आपकी अपनी अलमारी की चौड़ाई है, इस अलमारी जितनी चौड़ाई का आपने प्लेटफॉर्म बनाना है, और फिर साथ में आपने उसके ऊपर अलमारी आ जाएगी, अलमारी के ऊपर आपकी कंप्लीट डिस्प्ले आ जाएगी। ये आपकी वर्किंग वर्किंग टेबल हो गई किस चीज़ की, जो मोबाइल रिपेयर के लिए आते हैं। हल्की फुल्की रिपेयरिंग आपके यहाँ भी हर दुकान में ज़रूर की जाती है, हर शोरूम में ज़रूर की जाती है, वो आपकी वर्किंग टेबल ही होगी। बाकी आपका अपना स्टाफ आ गया, ओनर बैठ गया, गल्ला हो गया, काउंटर हो गया आपका अपना, पीने का पानी हो गया, मंदिर हो गया, इलेक्ट्रिक मीटर और इन्वर्टर हो गया। कस्टमर यहाँ से आएगा और यहाँ आप कस्टमर आके खड़ा हो जाएगा। इसी के साथ आपको लगता है कस्टमर को चेयर देनी है, चेयर आप डाल सकते हैं। चेयर आपकी अपनी जो आनी चाहिए, या तो ग्रीन कलर की आनी चाहिए, ग्रीन कलर की आपको नहीं मिलती है तो आप ब्राउन कलर की भी अपनी चेयर्स ले सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो कस्टमर ओनर बैठा है या स्टाफ बैठा हुआ है, आपने ब्लू कलर, क्रीम कलर, कौन सी, ब्लू कलर की, क्रीम कलर की या येलो कलर की ही चेयर्स लेनी है। फर्नीचर का भी जो कलर आपने बनाना है वो मैं आपको कहूँगा कंप्लीट वाइट कलर में जाएं। वाइट कलर नहीं जा सकते आप, ग्रे कलर में जा सकते हैं आप, सिल्वर कलर में जा सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।